आज बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। एक्चुअली जब रियल लाइफ के इश्यूज में से क्वेश्चन निकल के आता है तो बहुत यूजफुल होता है। क्वेश्चन ये है कि हमारा एक पुराना दोस्त था और आपने जो पूछा है कि मेरा एक बहुत अच्छा पुराना दोस्त था और अब वो बदल गया है, और जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इस दोस्ती को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं क्योंकि वो दोस्ती ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, तो आपने कहा कि मैं उसको नहीं बदलना, मतलब तो फिर से रिवाइव नहीं करना चाहता, उस दोस्ती को फिर से रीजनरेट नहीं करना चाहता, फिर से वो पुरानी दोस्ती में पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन आपको इस चीज़ से दिक्कत है, दिमाग में अभी भी टेंशन चल रहा है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि जिस ये जो शब्द दोस्ती है ना, ये अपने आप में उसकी तरह है जैसे आप बैंक से लोन लेकर आइए तो लोन वापस भी करना पड़ता है, तो ऐसे ही दोस्ती में आपको ढेर सारी चीज़ें वापस करनी होती हैं। आपने तो कह दिया कि ठीक है, आपकी इस लड़के से दोस्ती से झगड़ा हो गया और आप उसको दोबारा नहीं मिलना चाहते, बट कहीं ना कहीं वो जो लोन लोन मतलब आपने दिया लिया दिया लिया, इस देने लेने के प्रोसीजर में आप दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया है, और वो रिश्ता खाली बोल देने से ख़त्म नहीं हो जाता, और चूंकि वो ख़त्म नहीं हुआ इसीलिए आपने बोल दिया कि ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग से रिश्ता नहीं गया। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब तक आपको कम से कम क्लैरिटी आना शुरू होगी, क्योंकि अब आपके पास रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपको याद है हम लोग गौतम बुद्ध की जब बुक पढ़ते थे तो उसमें एक कॉमन थीम था पूरी किताब में, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग में, और उसमें ये थीम था अनत्ता थीम। अनत्ता मतलब कि ज़िंदगी जो है वो टेम्प्ररी है, हर चीज़ जो पैदा होती है कुछ दिन चलती है फिर ख़त्म हो जाती है, और ये चीज़ दोस्ती के लिए भी सच है। जब दोस्तियाँ चालू होती हैं कुछ दिन रहती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, कुछ दोस्तियाँ बहुत लंबी चलती हैं उसके बाद ख़त्म होती हैं, कुछ केवल कुछ ही घंटों तक रहकर फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये तो हमने अपने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए हमने शब्द बनाया है दोस्ती, बट दो लोग जब आपस में आते हैं तो उसको वो कुछ दिन साथ में रहते हैं, कुछ महीने साथ में रहते हैं, कुछ लोग कुछ साल साथ में रहते हैं और कुछ लोग कुछ जन्म साथ में रहते हैं, तो उसको भी लोग दोस्ती कहते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, दोस्ती हो रिश्ता हो ख़ासतौर से, वो जब ख़त्म होता है तो हम लोग को बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बिकॉज वो जो जिसको हम दोस्त बोल रहे हैं वो केवल बाहर नहीं होता, वो हमारे दिमाग के अंदर होता है। जैसे अभी आपका तो खैर दोस्त हैं आप दोनों, फ्रेंड्स थे, लेकिन अभी एक एक कपल मुझे मिला जिसका डिवोर्स हो रहा है, ऑलमोस्ट 12 साल की शादी 11 साल की शादी के बाद उनका डिवोर्स हो रहा है। तो वो जो कपल है वो क्यों दुखी होता है डिवोर्स के टाइम पर? जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो दुखी क्यों होता है? बिकॉज उसको एक सच्चाई नहीं पता, या पता है तो भी वो अपने आप को बताना नहीं चाहता या भुलाना चाहता है कि जो भी चीज़ पैदा होती है वो कुछ दिन रहती है फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम उसको ख़त्म होने नहीं देते हैं। पता है क्या होता है, हम लोग मन ही मन में उस वो तो आदमी चला गया जिसने आपकी बुराई की, आपके साथ झगड़ा किया, जो भी किया उसने अपनी रियल फेस दिखा दी, वो बदल गया है। यूजुअली दोस्तियाँ तब टूटती हैं जब, पहले समझिए दोस्ती होती कब है, जब दो लोग एक जैसे थॉट्स होते हैं, एक जैसी पसंद होती है, एक जैसी मूवीज़, एक जैसे चीज़ें, एक जैसे लोग, एक जैसे बेसिकली एक स्टाटा होता है लोगों का। अगर आप भी स्कूल में फिसड्डी है पढ़ने में, वो भी फिसड्डी है, तो दोनों दोस्त हो जाते हैं, टॉपर टॉपर दोस्त हो जाते हैं, मिडिल मिडिल दोस्त हो जाते हैं, पैसे पैसे वालों से दोस्त होते हैं, मिडिल क्लास से दोस्त को दोस्त करते हैं, तो वो होती है रूट ऑफ फ्रेंडशिप, मोस्टली कॉमन जो फ्रेंडशिप होता है। लेकिन जब उसमें से कोई भी एक थोड़ा भी बदलता है तो दोस्ती ऑब्वियसली ख़त्म, बिकॉज दो लोगों की वासनाज एक जैसी थी इसलिए तो नज़दीक आए थे। तो अब वो जो आपका दोस्त है वो थोड़ा बदल गया है, उसकी लाइकिंग्स बदल गई हैं, उसका सर्कल बदल गया है, वो अपने आप को एक अलग तरीके से महसूस करता है कि मैं कुछ अलग ही हो गया हूँ। जब आप उसको देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये वही लड़का है जो मेरे साथ लखीमपुर में था, जो हम लोग साथ में बातचीत किया करते थे, सुबह जाके खाना खाया करते थे, वहाँ पर ठेले पर कचौड़ियाँ खाया करते थे, लेकिन वो अब बदल चुका है। अब वो वापस जब आएगा लखीमपुर में तो कचौड़ियों को ले बोला ये सब दीज आर ऑल ओल्ड थिंग्स, एंड तो वो अपने आप को थोड़ा सा एडवांस्ड महसूस कर रहा है। वो कितना एडवांस्ड हुआ है कि नहीं वो दूसरा सवाल है, बट ही फील्स दैट, और जो फील करता है वो उसी को बचा के रखना चाहता है। अब आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप अपने आप को बदलिए उसकी तरह, आप नहीं बदल सकते बिकॉज आप अभी भी लखनऊ में और लखीमपुर में रहते हैं, वो अपने आप को दिल्ली का मानता है,
आप जब तक वहां दिल्ली में रहेंगे नहीं 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर तक, और उसी की तरह आपको भी घमंड नहीं क्रिएट होगा तब तक आप उसकी तरह नहीं जी पाएंगे। तो आप अपने आप को बदल नहीं सकते और वो अपने आप को नहीं बदल सकता, इसलिए अब आप लोगों की दोस्ती ख़त्म हो गई। लेकिन हम लोग को पता है एक और ख़ास चीज़ नहीं आती और वो है किसी भी खूबसूरत दोस्ती को या किसी भी दोस्ती को कैसे खूबसूरती से ख़त्म किया जाए। इसके लिए एक शायरी मैंने कहीं सुनी थी, मुझे याद नहीं है, बोलते हैं कुछ रिश्ते जब ख़त्म होते हैं तो उसको ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए, उसको खूबसूरत अफसाना बना के छोड़ देना चाहिए। मतलब कविताएँ हैं। जब तो जब भी आप किसी आदमी के साथ आपको लगे कि ये आदमी बदल गया है और ये वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, तो अपने आप से बताइए कि लाइफ का तो नियम है बदलना। और आपके मन में जो उससे बातें चल रही हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने दोस्ती दोस्त के साथ जब झगड़ा हो जाता है तो उसके साथ मन में बातें करते हैं ना, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा क्यों किया उसने, वो बदतमीज हो गया, वो घमंडी हो गया, नहीं करना। ये जो हम बातें करते रहते हैं, हमको लगता है कि मुझसे बात कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली अपनी एक्सपेक्टेशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशंस झूठ के ऊपर आधारित हैं। झूठ क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता। हो सकता है 2-3 साल बाद 4 साल बाद फिर से आप लोग दोस्त हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फिलहाल वो हॉल्ट पे है। और लेकिन आप इस चीज़ को विश्वास करने को तैयार नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है। ये इल्यूजन जैसे अभी नहीं देखा, नहीं लोग जब शॉक में जाते हैं किसी का कोई नियर एंड डियर वंस ख़त्म हो जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो भरोसा ही नहीं कर पाता क्योंकि जो सामने वाला जिसको प्यार करता है, जो दोस्त था, उसके दिमाग का इतना स्ट्रांग हिस्सा है, उसको इतनी हैबिट पड़ चुकी है, जैसे चाय की, कॉफ़ी की, सिगरेट की, शराब की हैबिट पड़ती है, ऐसे हम लोगों को एक दूसरे की हैबिट पड़ चुकी होती है। और जब वो नहीं होता तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो हमारा माइंड इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि सामने वाला नहीं है, और चूंकि बर्दाश्त नहीं कर पाता इसलिए वो खुद ही बात करता रहता है अपने आप से। तो वो तो गया आपका, वो आदमी तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो हमारे मन में बैठा हुआ है। और ये तो अभी आपका फ्रेंड है, जब गर्लफ्रेंड बनती है और उसके साथ ब्रेकअप होता है तो बहुत से लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, तो हम शादी नहीं करेंगे जबकि ब्रह्मचारी एकदम अलग चीज़ होता है, बट देवदास हो जाते हैं। अपने आप को ये बताइए कि खूबसूरत टाइम बीता हम लोगों का, आप उस रिलेशनशिप में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई उसको याद करिए और थैंक यू बोलिए अपने मन में। जब जब मन में आए ना उसको डांटने का, तो आप उसमें से वो चीज़ें निकाल के ले आइए। जैसे आप मान लीजिए कोई घर है वो जल गया, तो आप क्या करेंगे, उस घर में जाएंगे, जो कीमती सामान है उसको ले आएंगे, जो राख है उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही अब एक आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, तो उसमें जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें बची हुई हैं, जो अच्छी अच्छी मेमोरीज बची हैं, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए ताकि वो आपके बायस में आए। उसके अलावा जब भी आप उससे मिले तो आप कॉन्शियसली उस घटना को जिसमें आपकी और उसकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसने आपको ब्लेम किया, आपने उसको ब्लेम किया, उस मोमेंट को ये कहिए कि वो एक इंटेंस मोमेंट था, एक इम्बैलेंस्ड मोमेंट था जिसमें कि हम दोनों का ई सेंटर डिस्टर्ब्ड हो गया था। जैसे किसी को दर्द हो, पेट में दर्द हो, बीमार हो तो उल जरूर बातें करता है, ठीक ऐसे ही एक इमोशनल इम्बैलेंस का स्टेट था जिसमें हमने एक दूसरे को अजीबोगरीब चीज़ें बोल दी थी। सो दैट इज़ नॉट टू बी टेक अकाउंटेड। तो जब भी मिलिए, लेकिन अब इस इंसिडेंट से सीख लीजिए चीज़ कि हम दोनों दोस्त नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम दोनों केवल अक्वेंटेंसेस हैं। अक्वेंटेंसेस मतलब हम जानते हैं, मतलब कहाँ रहता है मैं जानता हूँ, इसके पिताजी का इसका एड्रेस मैं जानता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझसे अपने आप से कुछ उम्मीद मत करिए। कोई आपसे पूछेगा यार, या वही आदमी आपसे कल पूछे यार तुम 2000 रुपये मुझे मिलेगा, बोलते तो आप ये ध्यान रखिएगा अब दोस्ती नहीं है, अब आपकी उसके साथ अक्वेंटेंस है। तो एक फ्रेश रिलेशनशिप पैदा होगा उसके साथ, आपका एकदम नया रिलेशनशिप पैदा होगा, जो दोस्ती नहीं होगा, जो दुश्मनी नहीं होगा, एक स्ट्रेंजर विद अक्वेंटेंसेस। फिनिश दैट ऑफ, खत्म होने दीजिए उसको, उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। अभी तक आप अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, आपने उस दोस्ती की डेड बॉडी को अभी भी दिमाग के कोने में रखा हुआ है, उसको आपको लग रहा है शायद रिवाइव हो जाए, तभी आप उससे बात कर रहे हैं, उसमें मंत्र फूटने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार बोलते हैं ना आप यार वो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है वो बेसिकली आपने अपनी दोस्ती की डेड बॉडी को बचा के रखा है और उसके अंदर में जिंदगी फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब नहीं पैदा होगा। अपने आप को थैंक यू बोलिए, उसको थैंक यू बोलिए मन ही मन। मेरे साथ हुआ था, हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप अटेंड किया था बहुत साल पहले, तो उन्होंने एक एक्सरसाइज दिया था, बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, बोलते हैं जिसके जिसके भी प्रति आपके मन में कंप्लेन हो उसको आप मन ही में थैंक यू बोलिए,
उसको अगर बोल सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर फोन उठाकर उसको बोल सके तो बहुत अच्छा, बट लेकिन अगर नहीं बोल सकते तो आप अपने मन ही मन में थैंक यू बोलिए। ये एक जेन एक्टिविटी भी है जिसमें कि लोग जिसके प्रति बहुत ज़्यादा एंगर होता है उसको मन ही मन थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। तो जो आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप, एक हर्ट हुआ है, जो चोट पहुंची है, वो हील हो जाती है। फिर जब दोबारा उससे मिलते हैं तो एक नए तरीके से विथ मोर एक्सपीरियंस, विथ इन मोर इंटेलिजेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग वो डेवलप होता है। सो फाइनली टेक होम क्या है, आज की समरी क्या है कि हर चीज़ पैदा होती है, बड़ी होती है, फिर ख़त्म हो जाती है, और हर आदमी अकेला है, ये रियलिटी है। और हमको रिलेशनशिप जब किसी के साथ करना होगा तो वी हैव टू नो दिस, दैट दिस रिलेशनशिप में एंड एनी डे। और पता है जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई भी रिलेशनशिप कभी भी ख़त्म हो सकता है, तब आपका जो रिलेशनशिप होगा बहुत अलग तरीके का होगा, बहुत ही सेंसिटिव होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। अभी तो बच्चों की तरह रिलेट करते हैं हम लोग, एक सेकंड में कट्टी और एक सेकंड में बट्टी कर लेते हैं, बट वो बहुत अलग होगा। थैंक यू। आप ये पूछ रहे हैं कि जब किसी ने, उस लड़के ने मेरे दोस्त ने मेरी बेइज्जती की, पब्लिक में बेइज्जती की, अकेले में बेइज्जती की, तो मैं उल्टा उसको जवाब क्यों नहीं दे पाया, उसको मैं बोल क्यों नहीं पाया, उसको डांट क्यों नहीं पाया। इसका एक बहुत, मुझे लगता है इसका एक वजह है। पता है किसी को कुछ बोलना, किसी को उल्टा जवाब देना, किसी को डांटना, किसी की बेइज्जती करना, अपने आप में ये एक वायलेंट एक्टिविटी है। वायलेंस समझते हैं, किसी को चोट पहुंचाना, एक जैसे किसी को खून करना एक वायलेंस है, बलात्कार करना एक वायलेंस है। इसके लिए एक खास तरह की इनसेंसिटिविटी चाहिए। इनसेंसिटिविटी जानते हैं, मर्डरर्स जो होते हैं वो, उनका कहा जाता है कि उनका इमोशन एकदम पत्थर की तरह होता है। जिस समय जिसको मार रहे होते हैं वो भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, लेकिन वो लोग कसाई की तरह उनको मार देते हैं। तो वो एक तरह की इनसेंसिटिविटी चाहिए, ठीक ऐसी, नॉट इतनी बट थोड़ी बहुत इनसेंसिटिविटी चाहिए आपको जब किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं। मुझे लगता है आपके अंदर में वो इनसेंसिटिविटी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को बोलेंगे, किसी को डांटेंगे, हाँ आपको हर्ट हुआ है तो आपकी हर्ट अंदर में शोर की तरह चल रही है, लेकिन वो हर्ट सामने वाले को पहुंचा दूं, इसके लिए आपको एक तरह की बेवकूफ़ी, एक तरह की इनसेंसिटिविटी, एक तरह का जानवर अंदर चाहिए। बहुतों में होता है ये जानवर, मेरे अंदर नहीं है। आपको याद है जब पिछले, नहीं शायद आपको बताया नहीं मैंने, रमाकांत से पहले हमारे यहाँ जो ड्राइवर था उसने हमारा करीब 15-20 हज़ार रुपये का नुकसान किया, चोरी किया। हर्ट हुआ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं सोच रहा था कि उससे मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसे जॉब से निकालूँगा, बिकॉज जॉब से निकालना है तो पक्का था, इसलिए क्योंकि वो चोर था। चोर को घर में रखेंगे, आज 20 हज़ार रुपये का नुकसान किया, कल को 2 लाख का नुकसान कर सकता है। तो मैंने जॉब से तो निकाल, लेकिन निकालें कैसे, क्या बोल के निकालें। तो मैंने जब 2 दिन तक सोचता रहा, फिर 3रे दिन मैंने क्या किया, मैं उसको बुलाया, मैंने कहा यार अभी हमारे पास अभी कोई जॉब है नहीं, तुम अभी जाओ, 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो, फिर आना, अगर कुछ होगा तो बताएंगे। जस्ट लेफ्ट। तो उसको नहीं डांटने के लिए इट वॉज मोर कन्वीनियंट फॉर मी, चला। ऐसा नहीं कि मैं उससे नाराज नहीं था, मेरे मन में चला 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक, मेरे से कहते हैं ऐसा आदमी, बताओ कैसा किया हमारे साथ, हमने उसको ये किया, हमने उसको वो कहा, हमने ये किया, लेकिन उसके बाद वो धीमे धीमे वो शोर खत्म हो गया। वो शोर कैसे कैसे खत्म हुआ, जैसे जैसे हमारी हर्ट हील हुई, हमारे जो माइंड में हर्ट होते हैं वो भी धीमे धीमे हील हो जाते हैं। अगर आप टाइम देंगे 2-4 दिन 10 दिन तो हील हो जाएगा। और जब आप थैंक यू बोलेंगे उसको मन ही मन कि तुमने बहुत कुछ मेरे लिए अच्छा किया, बहुत हम लोगों ने टाइम अच्छा अच्छा स्पेंड किया, तो उसके लिए थैंक यू, तो वो हील हो जाता है। तो आपका जो मन में चल रहा है ना, उसको डांटना, उसको वापस उल्टा जवाब देना, ये आपका हर्ट है। लेकिन आप चाहे आप यहाँ आने की वजह से, चाहे जुलूगा पढ़ने की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, आपके अंदर में ये सेंसिटिविटी है। गांधी क्या बोलते थे कि अगर कोई आदमी आपको मारे तो उसको आप उल्टा मारो मत, क्या करो, उसका दूसरी गाल दे दो। ये एक सेंसिटिविटी थी, एक समझ थी कि दुश्मनी को अगर ख़त्म करना है तो आपको उस विशेष सर्कल को काटना पड़ेगा। आप उतने समझदार अभी शायद ना हुए हों, लेकिन इतने तो समझदार हो ही गए हैं कि अगर कोई आपको डांटता है, कोई कुछ गलत करता है, तो आपको बोलने का मन नहीं करता वापस। मतलब अगर आपको बोलने का कम्प्लीटली मन करता तो बोल चुके होते, आपने उसकी तरह गाली दे दी होती, आपने उसकी तरह वापस जवाब दे दिया होता, उसने क्या कहा, तूने मेरी सबसे बेकार बर्थडे बना दिया, तो आप भी बहुत कुछ बोल सकते थे। बट समवेयर दिस सेंसिटिविटी हैज़ कम अप इन योर, इसको मैं बोलूँगा डेवलपमेंट ऑफ आई सेंटर, इंटेलिजेंस जब डेवलप होता है तो इमोशन बेचारा उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है।
नहीं, तो पता है आज आप यहां पर बैठ करके ये नहीं बोल रहे होते कि सर मैं उसको कुछ बोलना चाहता था, आज आप एक रिग्रेट कर रहे होते कि सर मैंने क्यों बोल दिया उसको, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता था. दिस इज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू ऑफ नॉट सेइंग एनीथिंग टू हिज फेस. आप बोलिए, आप सोचिए, आप लिखिए, बट इसे जरूर नहीं बोलती कि जो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट है उसमें आप चीजों को कंट्रोल अगर कर पा रहे हैं तो ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है. और ये मेरी, मतलब मेरी भी, मैं मानता हूं कि मेरी भी जिम्मेदारी थी भाई. ऐसा जब स्टूडेंट मेरे पास आया तो मैं भी, बट शुरू से मुझे दिखता था कि वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. ये हम सब जितना जनुगा से कनेक्टेड है, जितना आपस में कनेक्टेड है, उतना ही ये मेच्योरिटी हम लोग लेके जाते हैं एक दूसरे के. तो उसके पास अब मेच्योरिटी नहीं पहुंची है, कल को वो भी कनेक्टेड होगा तो उसके पास भी शायद मेच्योरिटी पहुंच जाए. सो आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बिकॉज आप बेवकूफ नहीं है, आप इनसेंसिटिव नहीं है. और वो क्यों बोल पाया? बिकॉज ही इज इनसेंसिटिव. किसी को भी हर्ट करने के लिए आपको इनसेंसिटिविटी चाहिए. एक लास्ट में एक बात बताता हूँ. एक भाई साहब डॉक्टर साहब थे, तो बताते हैं कि मेरा तो अफेयर हुआ था, अफेयर की बात चल रही थी, मेरी रिब्बी से अफेयर चल रहा है. तो रिम्पी से पहले एक और मेरी फ्रेंड थी कॉलेज में, उससे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की. बाद में जब मेरी शादी रिम्पी से पक्की हो गई तो फिर हम लोगों का उससे बातचीत बंद खत्म हो गई. तो डॉक्टर साहब बोलते, हमारे जो डॉक्टर साहब थे बोलते हैं आपका भी अफेयर था? मैंने कहा अफेयर जैसा ही था, ठीक. बोलते हैं कितना खर्चा किया था आपने उसके ऊपर? मैंने कहा खर्चा तो कभी छोड़ा ही नहीं मैंने. बोलते फिर भी कुछ तो किया होगा, जब वो होटल जाते थे आप तो चाय नाश्ते का पैसा कौन देता था? बोलते मैं लड़का हूँ तो मैं ही देता था यूजली. बोलते कम से कम 30-40-50 बार खाया होगा. मैंने कहा इतनी बार तो खाया होगा. बोलते अगर एक बार में 50 रुपये खाया तो 50 बार का कितना हो गया? 2,500 रुपये हो गया. मैंने कहा ऐसा तो हो ही गया. बोलते लिया फिर उससे वापस? आप हंस रहे हैं बिकॉज आप समझ रहे हैं कि कितनी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है ये, लेकिन लोग करते हैं ऐसा. वो बता रहे थे, मैंने पूछा ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? तो बोलते हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने एक लड़की के साथ ऐसे अफेयर हुआ था, तो उन्होंने तो उसको जो भी पैसा दिया था, मतलब खर्च किया था, जब अफेयर उसने तोड़ा तो 6,890 रुपये का बिल निकाल उसको दे दिया. बोला अगर नहीं देगी वापस तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. दिस इज हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी. बट पीपल आर वायलेंट, पीपल आर एनिमल. तभी तो इतना भ्रष्टाचार है, तभी तो इतना दुनिया में वायलेंस है. सो कहीं ना कहीं आपने उसको जब नहीं बोला, नहीं डांटा, तो आपने एक वायलेंस की जो लहर पैदा हो सकती थी उसको रोक दिया. दिस इज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू. डोंट फील बैड अबाउट कि मैं क्यों नहीं बोल पाया, जस्ट फील गुड अबाउट इट कि आप नहीं बोल पाए, तो आपने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट रोक दिया. सोचिए आपके पास कोई छोटा बच्चा आए, ऐसे ये जो बच्चे नहीं यहाँ पर श्रीश हैं, और आकर के आपके साथ कुछ खेल खेल में आपको मार दे, उठा के अपना कोई डंडा उंडा आपके सर पे मार दे, और आप उसको खींच कर वापस मार दें, और जब उसको मार दें तो बच्चा जाकर कहीं गिर जाए, उसके सर में चोट लग जाए, तो आप नहीं एहसास, आप सोच नहीं पाएंगे कि अरे यार मैं तो क्या, मैं तो खाली ऐसे ही वापस में रिफ्लेक्स में मारा था, लेकिन उसका इतना हशर हो जाएगा हम नहीं जानते थे. जो लोग भी वायलेंस क्रिएट करते हैं वापस में, उनको नहीं पता होता कि वो वायलेंस कहाँ तक पहुँचता है. जो लोग भी अपने आप के साथ काम करते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जान जाते हैं, दे आर द रियल पीस मेकर ऑफ दिस वर्ल्ड. जीसस क्राइस्ट ने क्यों नहीं मारा जो लोग उनको सूली पर चढ़ाए, तो क्यों नहीं मारा? बिकॉज समवेयर ही इज मोर इंटेलिजेंट. So I think you are more intelligent. दोस्तों जनुगा बेसिक कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जहां पर आप हमारे जो बेसिक कोर्स के जनुगा के हिंदी वीडियोस आपको मिलेंगे, और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उसको हम लोग वीडियोस में बना बना करके आपको फ्यूचर में डालते जाते हैं. इसके जरिए आप अपने आप को पूरी तरह से समझ सकते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से समझ सकते हैं. अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रैक्टिस में हैं और आप स्टक हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं इस कोर्स के जरिए. तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन जनुगा बेसिक कोर्स. सेक्सुअलिटी को लेकर के हमने अभी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है कोर्स, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टरबेशन. इसमें आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने बच्चों की सेक्सुअलिटी को, अपने आसपास की जो भी रिलेशनशिप की इश्यूज हैं उसको पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए ये कोर्स है. और आप इसको ज्वाइन करके अपने इस पूरे ब्रह्मचर्य के प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी सेक्सुअलिटी के जरिए होते हुए ब्रह्मचर्य में जा करके उसके बियॉन्ड जा सकता है. तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट. पता है बिजनेस में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत आसानी से अगर कोई बता दे तो हमारे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं. कहा जाता है कि हमको कोई बताने वाला नहीं है. इवन MBA में भी इतनी कॉम्प्लेक्स और जार्गन करके बताते हैं कि एक बच्चा जब बिजनेस MBA करके आता है तो उसको क्लियर नहीं होता बिजनेस कैसे करते हैं.
तो आप WBX ज्वाइन करके, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स ज्वाइन करके अगले एक साल तक आपको हमारे ढेर सारे बिजनेस के वीडियोस बनेंगे, जो कि हम बहुत नटशेल में खोज खोज के निकाल के ले आते हैं, दुनिया की जो बेस्ट इनसाइट्स है, बेस्ट बिजनेस बुक्स हैं, उसमें से निकाल के लाते हैं, आपको शेयर करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन बिजनेस बेसिक कोर्स या WBX। थैंक यू।